आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे। ये हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने कई बार जो राष्ट्रीय पार्टियां रहती हैं उनके प्रवक्ताओं को बहुत बुरी तरह से नसीहत देकर एक तरह से अपने शो से बाहर भी कर देती थी। उसके कारण भी आप देखिए इन्हें अच्छा पत्रकार माना जाता है। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले इनके साथ साइबर फ्रॉड भी हुआ था, तो उस समय भी ये काफ़ी चर्चा में रही थी। और शादी को लेकर भी, तलाक को लेकर भी ये काफ़ी चर्चा में रही, लव स्टोरी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि एक सामान्य जानकारी इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। और NDTV से जुड़ी हुई है, आप लोग NDTV देखते भी होंगे, कई लोग नापसंद करते होंगे, कई लोग पसंद भी करते होंगे NDTV चैनल को, तो ये भी आप लोग जानिए। देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये है निधि राजदान। और आपको बता दूं कि कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ दुनिया जानती है, तो ये कश्मीरी पंडित भी है, समझ रहे हैं। इनका नाम निधि राजदान है और इनका जन्म होता है 11 अप्रैल 1977 को नई दिल्ली में इनका जन्म होता है। और आपको बता दूं कि इनके अगर हम पिता की बात करें, कृष्ण राजदान इनके पिता जो पत्रकार रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर यही देखने को मिलता है कि अगर किसी का बाप अगर नेता है तो उसका बेटा नेता ही बनेगा, बेटी नेता ही बनेगी। तो इनके बारे में भी आप सोच लीजिए। इनकी माता की बात करें तो सरला राजदान इनकी माता का नाम रहा है। और पति की बात करें तो नीलेश मिश्रा, जिनसे कुछ ही समय बाद तलाक हो चुका था इनका। एक बात और बता दूं आपको, ऐसा माना जाता है, देखिए अब हम आप लोग तो नहीं जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी भी इनके पति के साथ तलाक का एक कारण भी रही है, समझ रहे हैं आप लोग। इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो APJ स्कूल से दिल्ली से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे महाविद्यालय की बात करें कॉलेज लाइफ की, तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से इन्होंने शिक्षा ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से भी इन्होंने शिक्षा ली हुई है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक भी है और परास्नातक भी है। कहने का मतलब क्या होता है, स्नातक और परास्नातक। देखिए सीधे सीधा सा बात है कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग 12वीं करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कोई BSc करता है और BSc करने के बाद MSc कर लेता है, तो वो स्नातक भी और परास्नातक भी है, ठीक है। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें तो गाना सुनना और किताबें पढ़ना निधि राजदान का शौक है। और काम की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय टेलीविजन पत्रकार हैं। और कॉलेज से निकलने के बाद आपको बता दूं कि निधि राजदान ने 1999 में NDTV इंडिया को ज्वाइन किया हुआ था, NDTV चैनल को ज्वाइन किया हुआ था। साल 2020 में आपने देखा होगा ये तब चर्चा में आई जब 21 सालों बाद इन्होंने NDTV में रही, उसके बाद NDTV में एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि मुझे लेक्चरर का एक पद मिला हुआ है, लेकिन बाद में चला कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी हुई थी। और आप देखिए अगर आप अच्छा अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो आपको पुरस्कार भी मिलना स्वाभाविक सी बात होती है। और इसीलिए आप देखेंगे 2011 में निधि राजदान को कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के क्षेत्र में टीचर अचीवमेंट अवार्ड यानी कि TAA से भी सम्मानित किया गया था। एक पत्रकार के क्षेत्र में और पुरस्कार बेहतर दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार भी है। तो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत के संवेदनशील क्षेत्रों से रिपोर्ट करने के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसे, निधि राजदान को। निधि राजदान को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भी पुरस्कार दिया गया था, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कुछ इनके बारे में पर्सनल, आप देखिए इनका सफर की बात है। विवादों की अगर हम बात करें तो जून 2020 की बात है, निधि राजदान ने ट्वीट कर बताया था कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है। और अब 7 महीने बाद कुछ समय पहले आप देखा होगा एक और ट्वीट कर इन्होंने बताया था कि उन्हें हार्वर्ड से नौकरी का कोई ऑफर नहीं मिला था और वे साइबर फ्रॉड की शिकार हुई थी। तो इस समय आप देखेंगे काफ़ी टोल भी की गई थी और इन्हें काफ़ी, आपने देखा होगा कई लोग इनके सपोर्ट में थी, कई लोग इन्हें नहीं जो नापसंद करते थे, इन्हें टोल किया जा रहा था, समझ रहे हैं आप लोग, मजाक उड़ाया जा रहा था एक तरह से आप कह सकते हैं। इनकी अगर लव स्टोरी की बात करें तो आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, आपने देखा है ये एक नेता है, पॉलिटिशियन है,
और निधि रादान से शादी करना चाहते थे, और हालांकि फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी शादी का विरोध किया था क्योंकि निधि मुस्लिम नहीं थी, और इसको लेकर आप देखिए उस समय काफी चर्चा में भी रही थी। तो इनके बारे में ये भी काफी विवाद जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि आप लोग जब आगे बढ़ते हैं तो विवाद आपसे स्वाभाविक से जुड़ ही जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये कहानी है निधि राजदान की। आगे बताइए किसी के बारे में और बात करनी हो। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी की जीवनी, किसी के लाइफ के बारे में, किसी के बारे में सब कुछ कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए हम और आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। हमें और आपको तो कहीं किताबों से, कहीं साइट से, गूगल से, कहीं से आप मिल जाती है जो जानकारी, उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसी से हम लोग जान लेते हैं उनके बारे में। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, और बताइए किसी और के बारे में बात करनी है तो हम लोग उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। वैसे आपके पत्रकारों की सीरीज चल रही है तो उसे एक एक करके हम लोग देश के सभी पत्रकारों के बारे में विस्तार से जानते रहेंगे, ठीक है।